नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती। इसको लेकर के काफ़ी सारे कमेंट डेली बेसिस पर आते रहते हैं कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, कब तक इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाली, जिसको आप को रिलेट करके इसकी तैयारी में भी आप अभी से जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि ट्विटर पे और बाकी फेसबुक पे एंड सभी पे ही चल रहा था कि जो आपका रीट का सिलेबस है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा और लाइब्रेरियन की जो विज्ञप्ति है वो आपकी मई के अंदर जारी होगी। इस तरह से मैसेज जो है वायरल था। अब इस पर कितनी सच्चाई है नहीं है, बट जितना है कि अगर आपकी पुस्तकालय ग्रेड सेकंड की अगर आप बात करें उसकी, तो आपकी एग्जाम को लेकर के समय आ चुका है कि दिसंबर के अंदर होगी। इसके अलावा ग्रेड थर्ड को लेकर के भी चल रहा है कि 460 पदों पर जो है भर्ती आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि जो पुस्तकालय ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आप अभी से ध्यान में रख करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है सेवा नियम के अंतर्गत बदलाव। अगर आपने अभी लैब असिस्टेंट भर्ती का देखा है जिसमें कि अगर आप ये पूरा सेवा नियम पढ़ेंगे तो इसमें आपकी लैब असिस्टेंट के बारे में भी दिया गया है कि इसमें लिखा गया था कि दो पेपर आपके होंगे। और अभी आपने जो सिलेबस का पैटर्न जब आया तो आपको पता चला होगा कि दो पेपर वहां पर है। उसी तरह से आपके लाइब्रेरियन के भी दो पेपर यहाँ पर होने हैं। पहला तो आपका जो जनरल जो रहेगा जीके वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत आपका साइको भी ऐड की जाएगी, जैसे साइको उसमें भी ऐड की गई है। इसके अलावा जो पेपर सेकंड जो आपका होगा पेपर, उसमें आपका मेन पेपर की अगर बात कर ले तो वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न पर होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस उस पर होगा, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास ये वाला PDF नहीं है तो अभी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपके जो पुराने पेपर्स है लाइब्रेरियन के 2018 वाली भर्ती का है, 2016 वाली का है, उनसे आप एक बार पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं जैसे मेन पार्ट जो है वो तो आपका चेंज होने से रहा लाइब्रेरी साइंस का। इसके अलावा आप जो है RPSC के जो पेपर है 2019 का, जो लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड का पेपर है, उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस के भी काफी सारे पेपर हो रखे हैं। और यहाँ पर कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है, उसके बारे में मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। वो केवल एक RT के थ्रू जो आंसर आया था, सॉरी RTI की। अब यहाँ पर हम देखें कि प्रश्न पत्र यहाँ पर 400 अंकों के होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। तो ज़्यादातर यही डाउट आता रहता है कि क्या किस तरह से पैटर्न होगा, तो उसमें डिटेल वीडियो भी अगर नहीं देखते हैं तो आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट समय पर सबसे पहले मिल जाती है। जितनी भी जॉब वैकेंसीज आती रहती है लाइब्रेरियन की, वो सारी जानकारी मिल जाती है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, इवन आपको जो भी नई नई वैकेंसी आने वाली होती है, क्या कुछ अपडेट चलती रहती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो है भर्ती जो है जल्द आने वाली है, इसको लेकर के आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, शिक्षा मनोविज्ञान ये आपका फर्स्ट पेपर का पार्ट है, दूसरा जो आपका रहेगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न की हमने बात की वो आपका रहने वाला है। बाकी आप जो प्रीवियस टॉपिक्स जो रहे थे पहले के सिलेबस में, अगर हम बात करें लाइब्रेरियन की, तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो चेंज होने से रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम बात करें कि अब तक के, क्योंकि आपका जो पेपर है ग्रेड थर्ड का वो तो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेने वाले हैं, तो उनके जो पेपर्स हैं जिसके लिए आप GK के लिए आप कवर कर सकते हैं, तो अब तक के जो पेपर्स हैं उनका हमने भी एक PDF शेयर किया हुआ है 2015 से लेकर 2020 तक के, और कुछ 2021 तक के, वो सारे पेपर्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। नए अभी तक एक साथ PDF बनी नहीं है, लेकिन आप वो अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लिंक गिवन है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए पेपर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप GK का और आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड है उन को जो है लेकर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपका जो पैटर्न लिखा गया है, साथ में अगर क्वालिफिकेशंस की अगर आपको लेकर के क्वेरी है तो ग्रेड सेकंड में, तो ग्रेड थर्ड सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें डिप्लोमा वाले और बिलिव वाले एलिजिबल है, सर्टिफिकेट कोर्स वाले इससे हट जाते हैं राजस्थान के अंदर हम बात करें तो ग्रेड सेकंड में। और ग्रेड थर्ड में आपके सर्टिफिकेट कोर्स वाले, डिप्लोमा वाले, बिलिव वाले तीनों ही एलिजिबल है। इसमें ग्रेजुएट सेकंड में आपका जो है वो आपका ग्रेजुएट होना भी जरूरी है, इसमें 12th पास, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन में आपकी क्वालिफिकेशन की भी जानकारी दी गई है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको एक नई अपडेट मिली होगी, नई सूचना मिली होगी, और आप अभी से जो है प्रिपेयर करना अगर स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले जब मैंने वीडियो शेयर किया था
तो काफी लोगों के डाउट ये था कि दो पेपर होंगे नहीं होंगे, ये ऐसे ही है पीडीएफ। तो अभी आप खुद इसको कोरिलेट कर लीजिएगा कि ये वाला जो लैब असिस्टेंट का है वो भी इसी में दिया गया था, उसके बाद अब उसका पैटर्न देख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो आया हुआ है उसके बाद आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी आप और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।